जब तक दुनिया के किसी एक काबिले लिहाज रकबे के मुल्क में पूरे इस्लाम के निजाम को कायम करके न दिखा दिया जाए कि हम इस काबिल हो जाएं कि दुनिया को दावत दें कि आओ देखो ये है इस्लाम, आओ देखो ये है मोहम्मद का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं तो दिखाओ ये दीन है मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबें नहीं पढ़ेंगे, वो किताबों में तो अच्छी सी अच्छी बातें लिखी जा सकती हैं, क्या है ये कहो कि हुजूर ऐसे थे और सहाबा ऐसे, पिदरम सुल्तान बूद भाई होंगे, तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। ऐसा ना हो कि कोई छोटा सा गांव हो, कोई जजीरा हो, साइजेबल मुल्क हो जिसमें वो निजाम कायम करके दिखाया जाए। द पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ खिलाफा जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया, ये सारा निजाम अगर आप कायम करके नहीं दिखाते तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह की रिप्रेजेंटेशन का हक अदा नहीं कर रहे। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अल्लाह ऑन दिस अर्थ। किताब आपके पास है, कुरान आपके पास है, नबी के नाम लेवा ही नहीं, ठेकेदार आप हैं। सारे नबियों से अफजल हमारा नबी, सारे नबियों से अफजल हमारा नबी, ये तराने गाने से तो नहीं बात बनती, जरा उनका कोई किरदार, उनके झलक कोई अपने अखलाक में, अपने किरदार में भी तो दिखाओ, अपने माशरे में भी तो दिखाओ। यकीनन अफजल है, इसमें क्या शक है, सैयदुल बशर है, अफजलुल मुरसलीन है, अकमलुल रुसुल है, खातमुन नबीयीन है, क्या शक है इसमें, लेकिन दिखाओ तो सही भाई। तो जब तक हम ये नहीं करते हम मुजरिम हैं, हमारी सजा शक्लें बदलेगी, पढ़ते रहेंगे कोड़े।